सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सभी सही है, लोगों को उसका लाभ लेना आना चाहिए। जो पात्र होगा उसको योजनाओं का लाभ मिलेगा। जो बेहतर ही विकास की शैली है, जब तो लिए गांव में आते रहते हैं, क्या सामुदायिक भवन बन जाएगा। तो कौन सी योजना का बताएं आपको? 144 महिलाओं की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, सतारपुर में आ गई, वहीं पर कागजी कार्रवाई करके केसों का हम सामुदायिक भवन भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारी खबर टीवी की टीम पहुंच चुकी है बिजावर विधानसभा, जो कि छतरपुर जिला में आता है, और इस गांव में ग्राम पंचायत का नाम है मातगुआ। तो भाई साहब से मिलते हैं और भाई साहब से जानते हैं क्या कुछ चल रहा है। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? राजकुमार अहिरवार। सामने आ जाइए राजकुमार जी। अहिरवार साहब, तो आप ये बताइए कि वर्तमान में हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग सुन भी रहे हैं, हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जो सरकार बहुत तरह तरह की योजनाएं ला रही है, आप क्या कहोगे इन योजनाओं के बारे में और सरकार के बारे में? सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सभी सही है। अच्छा, योजनाएं सभी ठीक है, बस लोगों को उसका लाभ लेना आना चाहिए। लोगों को लाभ लेने का तरीका होना चाहिए। अब किसी जो पात्र होगा उसको योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो पात्र नहीं होगा उसको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, आप बहुत सही बोल रहे हैं। और अभी हमने क्या, जैसे कि जो यहाँ का पंचायत भवन है, पंचायत भवन भी हम लोग गए थे और पंचायत भवन भी हमने देखा, तो काफ़ी कुछ सफाई और काफ़ी कुछ चीज़ें मिली। तो आप सड़क या सफाई को लेकर के क्या कहोगे? देखो, परिवर्तन ही विकास की शैली है, जब गाँव में परिवर्तन होगा तो विकास तो होगा ही। जी, और एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में यहाँ पे विधायक जी हैं जी, जब से इलेक्शन हुआ है तो क्या आप लोगों की उन्होंने सुध ली जीतने के बाद में, या फिर क्या कहें? नहीं, सुध तो ली है, गांव में आते रहते हैं कभी किया। अभी वर्तमान में उन्होंने अहवा समाज भवन के नाम के लिए 5 लाख की राशि के लिए भी उन्होंने हम लोगों को वो किया है कि स्वीकृत करवाने के लिए बोला है उन्होंने कि हम आप लोगों को देंगे, और हो सकता है कि जल्दी 15 या 20 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को 5 लाख की राशि मिल जाएगी, जो जिससे हमारा सामुदायिक भवन बन जाएगा। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान में विधायक जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार भी अच्छा काम कर रही है, आप इससे बहुत खुश हैं? हाँ जी, धन्यवाद। अब इन भाई साहब के पास में चलते हैं। भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पे जी, भाई साहब नाम बता दीजिए। धर्मेंद्र सिंह बुंदेला। अच्छा धर्मेंद्र जी, आप हम ये हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो शासन तरह तरह की सुविधाएं स्कीम्स लॉन्च कर रही हैं, उन सुविधाओं और स्कीम्स का ज़मीनी स्तर पर कितना ज़्यादा प्रभाव है? कौन सी योजना का बताएं आपको? आप जो भी है अभी, जैसे लाड़ली लक्ष्मी योजना। हाँ, बता सकते हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना का तहत ऐसा हुआ कि हमारे गाँव में लगभग 1200 महिलाएँ पात्र हैं, जिसमें से 644 महिलाओं की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। कुछ महिलाओं के जैसे डॉक्यूमेंट्स उनके कहूँ KYC नहीं हुई या DPD नहीं हुई, तो ये कुछ उनकी कागज़ कमी के कारण उनके नहीं भर पाए हैं। तो कुछ ऐसी आशा सरकार से करते हैं कि 1-2 दिन का समय दे कि जिसमें जो वंचित रह गए हैं वो भी लाभ उससे ले सके। ऐसी आपके हिसाब से जो वर्तमान में सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि बच्चों के मामा हैं, हम सभी के मामा हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, उनका तो बहुत अच्छा है। अच्छा, और उनसे बहुत संतुष्ट है। सारी योजनाएं और अधिकारियों पे अच्छी नकेल कस रहे हैं वो। जो आज रोल उन्होंने अपनाया है वो अगर पहले से अपनाते तो वो कुछ और अच्छी दिशा में जाती। आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे कि अभी भी ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हम जैसे कहीं कहीं पे जाते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं, जनता को मालूम नहीं है, तो ऐसा कहीं के बीच में ऐसी क्या कमी रह रही है जिससे लोगों के पास में जानकारी नहीं हो पा रही है? उसमें मात्र है जो बीच में कर्मचारी है, जो अधिकारी है बीच के, वो डायरेक्ट धरातल पर मतलब योजनाएँ सबको पता नहीं चल पाती हैं। जैसे छतरपुर में आ गई, छतरपुर से जो अधिकारियों को आना है तो वो वहीं पर कागजी कार्रवाई करके पूर्ति कर देते हैं, और यहाँ लोकल में जनता को उसका पता नहीं चल पाता है। ये थोड़ा सा कमी है, लेकिन अब सरकार ने ऐसा लगाया है कि अब ग्राम चौपाल लगने लगी है गांव में, तो अब गांव-गांव पूरी सरकार का अमला आने लगा है। अभी कलेक्टर साहब यहाँ मातगुआ में आए थे 2 दिन पहले, तो उन्हें सारी जनता से और सबसे बिल्कुल उन्हें सवाल जवाब किए हैं, और उनने समाधान करने का निर्णय 3 दिन का दिया है। पटवारी का जितना भी है कि जो भी खेत खलिहान जो भी तुम्हारे डले हुए हैं वो सब 3 दिन के अंदर निपटाओ, अगर 31 तारीख तक समय है, 31 तारीख तक जन सुनवाई चल रही है अभी।
दोस्तों जैसा कि आप भाई साहब को सुन रहे थे, इन भाई साहब को भी सुना, इन्होंने राजनीति के बारे में, जो वर्तमान विधायक जी हैं उनके बारे में भी बताया, और इन्होंने ये भी बताया कि जो वर्तमान में सरकार है बहुत अच्छी स्कीम्स एंड सुविधाएं ला रही हैं। जहां तक हम बात करें अपने चैनल की, तो हमने पंचायत भवन भी देखा जहाँ पर हमें सफाई काफ़ी अच्छी मिली। अब जो ये दादाजी बैठे हुए हैं, हम इनके पास में आते हैं और इनसे कुछ जानते हैं। जी दादाजी, क्या नाम है आपका? मोरो कलुगा। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि आपका भी उम्र कितना होगा? हमारी उम्र हुई है 70 और 5। 75। हाँ इतने। अच्छा, तो आपको पेंशन मिल रही है? हाँ मिल रही, हमें तो मिल रही। अच्छा, तो आप जो हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, कैसा काम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कैसो काम हमें कोई... मतलब जो मुख्यमंत्री जी का नाम मालूम है? शिवराज सिंह जी। शिवराज सिंह जी, हाँ। तो उनके राज्य से खुश हो, उनके शासन से? हाँ उनसे खुशी है। जी जी, धन्यवाद। भाई साहब नाम क्या है आपका? हमारा नाम मुन्ना लाल अहरवार। अच्छा, तो अहरवार साहब बताइए आपको क्या समस्या है? हमें ये सामने ऐसे देखिए थोड़ा। अच्छा, हमें ये समस्या है कि जैसे हम हैं, हमारे भैया हैं, कुछ लोग परेशान में रह रहे हैं, तो ये परेशानी हमको ज़्यादा आ रही है। क्या परेशानी है? कुटी जो सरकार दे रही थी, अब कुटी बंद हो रही है, अब आ ही नहीं रही है। अब नहीं, बंद नहीं हुई है, या आप ये बोल रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से आवास यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा आता है वो आपको नहीं मिल रहा है, उसका लाभ नहीं, नहीं मिल रहा है? अच्छा, तो आपने कहाँ कहाँ पे अपील किया इसके लिए? माने हमने कहीं नहीं, सरपंच के पास गए हम, तो बस सरपंच को दे दिए हैं। तो इसमें आवेदन किया था आपने? हाँ। ठीक है, ठीक है। तो और क्या समस्या है आपको? अब और बस ये क्या है, माने पीड़ा बाधा चल रही है, हमारे भाई को है, मेरे को है, तो अब माने और क्या है, बस। उम्र का होगी आपकी? उम्र होगी वही 60 के लगभग पहुंची होगी वो। क्या? अच्छा, तो आपको पेंशन मिल रही है? नहीं। अच्छा, आपको पेंशन भी नहीं मिल रही है? जी, ये बताइए कि आपको ग्राम पंचायत में और क्या समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं शासन से कि इन समस्याओं पे काम होना चाहिए? ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे जो आप नाला देख रहे हैं, ये नाला है। इस नाले से क्या है कि जो पहले, आज से 15-20 साल पहले, इससे लोगों के लिए सिंचाई के लिए पानी जाता था, जो पहले यहाँ पे घर नहीं थे, अब घर बन चुके हैं, तो सिंचाई विभाग वालों को हो सके तो इनको बाहर से नाली बनानी चाहिए, वो इसको बंद कराना चाहिए। इसमें क्योंकि शादी ब्याह हर चीज़ होता है, तो जिस वजह से लोग गिरते हैं, लोगों को नुकसान होता है, बहुत सारी परेशानी होती है, मच्छर भी पनप रहा है उसमें, तो लोग बीमार, मच्छर भी पनप रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी, इस मोहल्ले में इसकी कम से कम हमारे यहाँ पे 600 से 700 वोटिंग है, इस मोहल्ले की 600 से 700 वोटिंग होने के बावजूद तो उन लोगों के बच्चे भी हुए, तो बच्चों को जो प्राथमिक शाला है या ये कन्या पाठशाला वगैरह है, तो इन लोगों को दूर जाना पड़ता है, और इन लोगों को बच्चों के लिए यहाँ पे कोई ना प्राथमिक शाला है ना वो है। तीसरी, सामुदायिक भवन भी नहीं है, जिस वजह से प्रॉब्लम है। और एक जो अभी सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो रहा है हर जगह, तो सामुदायिक शौचालय घर घर तो सबकी बन गए, लेकिन ये सुपर कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं जो आजकल हर जगह ऊपर से ही आ रहे हैं, तो कहीं बार हर जगह बन रहे हैं, जैसे राजपूत समाज में हो गया है, जगह जगह बनने चाहिए। गाँव के जो रोड हैं, रोडों के किनारे नालियाँ वगैरह हैं, ये सब सारी मांगें हैं, इन मांगों पर काम हो तब तो सरकार अच्छी है, बाकी तो काम तो देखो जो बनेगा काम तो करेगा ही। जी जी जी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये सब और है। कुछ कहना चाहते हैं आप? और कुछ क्या, सब ठीक है, बस गांव का विकास हो, इसी के लिए सभी गांव लोग, गांव के वासी परेशान है, और क्या। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अपने गांव की समस्याएं गिनाई और आपने सभी मुद्दों में बहुत अच्छे से खुल के बात करी, आपका धन्यवाद।